एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही ब्यूटीफुल और ट्रेंडिंग चार बॉटल डेकोरेशन आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस ब्यूटीफुल बॉटल को डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हम इस पे होममेड जैसो का एक बेस कोट दे देंगे। ये होममेड जैसो अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्पॉन्ज से मैं इस पे डैबिंग करके इस पे पूरा ये बेस कोट दे दूंगी। अब मैंने शिव जी की ये छोटी सी एक ड्राइंग बनाई है और इस पे मैं येलो कार्बन की हेल्प से इस पे ट्रेस कर दूंगी। ट्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अब हम इस पे फेविक्रिल के मोल्डेड क्ले से हम इस पे वर्क करेंगे। तो इस क्ले से हमें लंबी लंबी पतली पतली कॉयल्स बनानी है। उसके लिए मैं यहाँ पे ये वुड पीस यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा टेलकम पाउडर लगा के, जिससे कि स्टिक ना हो। तो क्या होगा, वुड पीस हम यूज़ करेंगे तो इससे एक जैसी लंबी और पतली कॉयल्स बन जाएगी। मुझे यहाँ पे हाथ से करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, लेकिन क्योंकि इस पूरे बॉटल आर्ट पे हम कॉयल का ही वर्क करने वाले हैं, स्ट्रिप ही लगाने वाले हैं क्ले की, तो इसके लिए इस तरह का कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट ही हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि एक जैसी स्ट्रिप्स हम तैयार कर सके। आप कोई स्केल या इस तरह का कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो जो भी हमने इस पे ड्राइंग बनाई है उसकी जो आउटलाइन है उसे हम फैब्रिक ग्लू से ट्रेस कर देंगे और इस पे अब मैं ये कॉयल स्टिक करूँगी। तो इस तरीके से हम इस पे पूरा ही ये बॉटल पे जो ये आर्ट वर्क है ये हम करने वाले हैं और इसे कम्प्लीटली हमें सिर्फ स्ट्रिप से ही जो आउटलाइंस हैं उन्हें डेकोरेट कर देना है। मोल्डेड की ये स्ट्रिप्स बहुत ही आसानी से बन जाएगी। कट करने के लिए मैं यहाँ पे इस क्ले कटर को यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह नाइफ या नॉर्मल कटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कुछ क्ले की छोटी छोटी बॉल्स बना दी हैं, उससे मुझे शिवजी की जो ये रुद्राक्ष माला है वो बनानी है। तो ये सारी ही बॉल्स मैं यहाँ पे इनके गले पे लगा दूंगी। इसके लिए मैंने फैब्रिक ग्लू नीचे लगाया है और किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इस तरीके से हम उस पर कुछ इम्प्रेशन दे देंगे, जिससे कि वो प्योरली रुद्राक्ष की माला का ही लुक देगा। और ये हमारा क्ले वर्क कम्प्लीट है और इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद नीचे मैं फैब्रिक ग्लू से कुछ लीव्स बना रही हूँ और कुछ टेक्सचर दे रही हूँ। फैब्रिक ग्लू ड्राई होने के बाद कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन साथ ही ये हमें बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर भी देता है। तो यहाँ पे मैं ये इस तरीके से कुछ लीव्स बना रही हूँ फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है और मैंने फैब्रिक ग्लू से इस पर कुछ लीव्स शेप में टेक्सचर दे दिया है। अब इस पूरे ही बॉटल को हम फिर से वाइट एक्रेलिक पेंट से कलर कर देंगे। ये मैंने मून नहीं बनाया था पहले क्ले से, जो कि मैंने अब बना दिया है। और ड्राई होने के बाद अब मैं इस पर ग्लास कलर से जो क्ले के अंदर वाली जो हिस्सा है उसी पे हमें ये ग्लास कलर अप्लाई करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया है। बस आप ये ध्यान रखिए, जो क्ले की हमने स्ट्रिप्स लगाई है, जो आउटलाइन बनाई है, उस पे हमें ये कलर नहीं लगाना है। सिर्फ जो आउटर एरिया है और जो इनर एरिया है, जो स्ट्रिप के अंदर और बाहर, बस उसी में हमें अकॉर्डिंगली कलर फील करना है। आप कोई और डिज़ाइन भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें कलर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शिवजी लिए हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्लास कलर्स अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन, येलो, कुछ इस तरीके के शेड्स यूज़ कर रही हूँ। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से कलर ले सकते हैं। अब ये जो टेक्सचर है, यहाँ पे मैं एक्रेलिक पेंट्स यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो लीव्स हैं, यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया है और बैकग्राउंड में मैं टील ब्लू ले रही हूँ, जो कि मैं स्पॉन्ज की हेल्प से डैबिंग करके कुछ इस तरह की शेडिंग दे रही हूँ और दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बॉटल हमारी तैयार है, जो कि आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं।
और अब हम इस ब्यूटीफुल बॉटल को डेकोरेट करेंगे। जो सेंटर वाला फ्लैट एरिया है इसे मैं वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर दूंगी। स्ट्रोक्स को हटाने के लिए मैंने स्पॉन से इस पर डैबिंग कर दी है और अब मैंने राजस्थानी टर्बन मैन इस पर ट्रेस कर दिया है। और इसके लिए अब हम मोल्डेड क्ले का यूज़ करने वाले हैं। मोल्डेड क्ले को मिक्स करके जो ये हमने जितना भी जो ट्रेसिंग वाला एरिया है टर्बन मैन उस पर हम पूरा क्ले वर्क करने वाले हैं। तो मैंने क्ले को रोल करके और फेविकॉल की हेल्प से मैं इस पर इस तरीके से जो शेप्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं क्ले इस पर स्टिक कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने फेस पे मोल्डेड क्ले को यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया है जो एरिया है, उसके अलावा क्ले हमें कट कर देना है। ऊपर की पगड़ी है उसके जितने भी सेक्शंस हैं पगड़ी के उस पर हमें अलग अलग क्ले के जो स्ट्रिप्स है वो स्टिक करनी है अलग अलग तरीके से, जिससे कि प्रॉपर हमें उसका लुक आए, जो 3D इफ़ेक्ट है वो आए। क्ले को स्मूथ करने के लिए आप उस पर टेलकम पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्ले एकदम स्मूथ और बिल्कुल अच्छा सा लुक देगा। तो जितने भी ये सेक्शंस हैं उस पर हमें क्ले लगा देना है फेविकॉल की हेल्प से। जो भी शेप है उसके अकॉर्डिंगली हमें क्ले उस पर एडजस्ट करना है। फेस के ऊपर जो ये मैं थोड़ा थोड़ा जो पगड़ी का जो क्ले है उसको हल्का सा मैं फेस के ऊपर लाने दे रही हूँ, जिससे कि लगे कि पगड़ी ऊपर से पहनी गई है। और यहाँ पे क्ले से ही मैंने कानों के साथ ये छोटे छोटे एयरिंग्स भी बना दिए हैं, क्योंकि राजस्थानी बन्ना कानों में एयरिंग ज़रूर पहनते हैं, इस तरह के उसे लूंग बोलते हैं। राजस्थानी होने की वजह से ये चीज़ मुझे अच्छे से पता है। तो क्ले से ही हम अब इनकी नोज़ भी बना देंगे। और अब बहुत ही स्पेशल पार्ट जो कि ये लंबी लंबी मूछें हैं वो भी मैं क्ले से ही बनाऊंगी और उसे हमें काफ़ी अच्छे से बनाना है, क्योंकि इसका मेन पार्ट पगड़ी और मूछें हैं। और हम इसे टेलकम पाउडर से स्मूथ कर देंगे। अब यहाँ पे इम्प्रेशन देने के लिए मैंने यहाँ पे ये सेफ्टी पिन ली है, जो कि बहुत आसानी से हम इस पर इस तरीके से इम्प्रेशन दे सकते हैं पगड़ी और मूछों में। और इसे अब हम कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद इस पर एक्रेलिक पेंट का एक बेस कोट दे देंगे। और बेस कोट ड्राई होने के बाद इस पर मैं स्किन कलर यूज़ कर रही हूँ। स्किन कलर के लिए मैंने रेड, येलो और वाइट कलर को मिक्स किया है। थोड़ा सा इसमें मैंने ब्राउन कलर भी मिक्स किया है। पगड़ी में ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें येलो शेड दे रही हूँ। और मूछों को ब्लैक एक्रेलिक पेंट से कम्प्लीटली पेंट कर दूंगी। आईज ब्लैक कलर से ही बना रही हूँ, क्लोज आईज बनानी है हमें इसमें। बैकग्राउंड थोड़ा सा प्लेन है तो उसमें मैं टील ब्लू कलर से हल्की सी बाहर की तरफ शेडिंग दे रही हूँ और स्पॉन से उसे हम थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। अब ये कुछ ग्लास कलर्स हैं, इन ग्लास कलर्स को मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लेके इस बॉटल पे जो ऑलरेडी टेक्सचर है उस पे हम अलग अलग कलर पेंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब मैं यहाँ पे 3D गोल्डन आउटलाइनर ले रही हूँ, इससे मैं इसकी बॉर्डर पे एक डॉटेड फ्रेम बना दूंगी। अब इस बॉटल पे ऑलरेडी ये जो टेक्सचर है इसमें ये जो लाइंस बनी हुई है बस उनके ऊपर हमें इस तरीके से ट्रेस कर देना है 3D गोल्डन आउटलाइन को यूज़ करके। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर ले सकते हैं 3D आउटलाइनर का, मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर लिया है। और ऊपर के पार्ट पे मैं कुछ इस तरीके से पैटर्न बना दूंगी। पगड़ी को पिंक आउटलाइनर से मैं इस तरीके से थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूंगी। और अब मैं कुछ स्टोन से ऊपर का जो ये पार्ट है बॉटल का उसको डेकोरेट कर दूंगी। सेंटर में मैंने सिल्वर स्टोन्स लिए हैं और आसपास मैं कुछ कलरफुल स्टोन्स ले रही हूँ, उसको मैं 3D गोल्डन आउटलाइनर से ही स्टिक कर रही हूँ। ऊपर का जो ये पार्ट है इस पर हम गोल्डन कलर अप्लाई कर देंगे, मेटेलिक गोल्ड। और ये हमारी ब्यूटीफुल सी बॉटल तैयार है। इसे आप एज ए नाइट लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया गिफ्टिंग ऑप्शन भी हो सकता है।
अब हम यहाँ पे अपनी ये थर्ड बॉटल को डेकोरेट करेंगे। इसे मैं कम्प्लीटली जूट रोप से कवर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक ग्लू लिया है। फैब्रिक ग्लू से काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाएगी। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल से स्टिक होने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो नीचे के पार्ट में थोड़ा सा हमें केयरफुली स्टिक करना है। एक बार अगर नीचे ये फिक्स हो गई तो उसके बाद ईजिली हम इसे पूरी बॉटल पर कवर कर सकते हैं। तो बीच बीच में हम फैब्रिक ग्लू अप्लाई करते जाएंगे और इस रोप को रैप करते जाएंगे, और इस तरीके से हमें पूरी ही बॉटल को इस जूट से कवर कर देना है। तो इस तरीके से मैंने पूरी बॉटल को जूट रूप से कवर कर दिया है, और अब इस पे हम ये होममेड मॉडपॉज लगाएंगे, यानी कि फेविकॉल और पानी को डाइल्यूट करके इस पे लगा देना चाहिए। ये क्यों लगा रहे हैं जब ये पार्ट आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है और फिर से हम इस पे मोल्डिट का काम करने वाले हैं। मैंने मोल्डिट डो तैयार कर लिया है और अब इस मोल्डिट से मैं ये रोज़ेस बनाने वाली हूँ। मुझे थोड़ा ये सेंटर में रोज़ लगाने के लिए थोड़ा सा बड़ा रोज़ चाहिए, तो मैंने कुछ इस तरीके से ये मोल्डेड क्ले लिया है और उसे ओवल शेप में हमें इस तरीके से फ्लैट कर देना है, और कुछ इस तरीके से ये सारी पेटल्स हमें बनानी है। करीब 5 to 6 पेटल हमें बनानी है। अब जो सबसे बड़ी वाली थी उसे हमें इस तरीके से सेंटर से नीचे की तरफ से ऐसे फोल्ड करना है। बीच बीच में आप टैल्कम पाउडर यूज़ करते जाएं जिससे कि थोड़ा स्मूथनेस आएगी इसमें और आपके हाथ भी इस पे स्टिकी से नहीं रहेंगे। और बाकी के पेटल्स को हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, साथ ही इन्हें थोड़ा थोड़ा ओपन भी करते जाना है। तो डिपेंड करता है आपको रोज़ कितना बड़ा बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली आप इस पे पेटल्स इस तरीके से लगानी है। पेटल जब बनाए तो उसके ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा हमें प्रेस करके उसे पतला बनाना है जिससे कि वो पेटल्स ब्यूटीफुल लगे। और इस पे मैं एक और पेटल लगा रही हूँ और इसे हमें सेंटर में लगाना है इसके, और पीछे का ये जो भाग है ये थोड़ा सा लंबा है, उसे हम इस तरीके से कटर की हेल्प से या क्ले कटर की हेल्प से हम इसे कट कर देंगे। और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं यहाँ पर सेंटर में इसे प्लेस कर दूँगी। फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे और मजबूती से इस पर स्टिक हो जाएगा, निकलेगा नहीं, और हमें इसे एडजस्ट कर देना है। तो इस तरीके से मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के कुछ रोज़ेस बनाए हैं, छोटे और बड़े। और अब यहाँ पे हम लीव्स बनाएंगे। लीव्स के लिए मैंने थोड़ा सा क्ले लिया है, उसे ड्रॉप शेप में करके इस तरीके से हमें उसे लीव का शेप देना है, और क्ले टूल से मैं इस पे लीव का इम्प्रेशन दे दूंगी। और इसे इस तरीके से थोड़ा सा आप बैंड भी कर सकते हैं। तो अब ये जो रोजेज हैं उन्हें हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली प्लेस करेंगे। एक कॉयल बना के ऊपर मैं इस तरीके से एक डिज़ाइन बना दूंगी। पतली सी मैंने क्ले से कॉयल बनाई है और इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। इसी तरीके से मैं नीचे भी एक कॉयल लगाने वाली हूँ और यहाँ पे साइड में थोड़ा सा और छोटा सा रोज़ और लीव्स लगा दूंगी। नीचे भी मैं सेम इसी तरीके से क्ले की कॉयल बना के ये डिज़ाइन बना रही हूँ। अब मैं क्ले को थोड़ा सा रोल कर दूंगी इस तरीके से। मैंने ड्राइंग ब्रश यूज़ किया है, आप रोलिंग पिन भी यूज़ कर सकते हैं, और ये मेरे पास बटरफ्लाई का कटर है, उससे मैं बटरफ्लाई कट करूंगी। ये टूल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे और इससे हमें ये बटरफ्लाई बनानी है। मैं एक छोटी और एक बड़ी बना रही हूँ। यहाँ पर बटरफ्लाई को हल्का सा बैंड देने के लिए मैंने दो ड्राइंग ब्रश के बीच में उसे प्लेस किया, और जब ये थोड़ा सा सेमी ड्राई हो जाए तो हम इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से छोटी और बड़ी ये दो बटरफ्लाई को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। कुछ मैंने क्ले की छोटी छोटी ये जो गोलियाँ हैं ये बनाई थी, उन्हें मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ जो कि हल्का सा पर्ल का इफ़ेक्ट देगा। और ये कम्प्लीटली ड्राई हो गई है और
और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जूट रोप पे फेविकॉल और पानी का डाइल्यूट जो मिक्स था उसका हमने जूट रोप पे जो ये किया है वो क्यों उस पे मिक्सचर लगाया था, इसलिए कि जब हम इस पे अब कलर कर रहे हैं पूरा ब्लैक तो वो उसको ज़्यादा सोख ना ले, क्योंकि जूट जनरली कलर को ज़्यादा सोख लेती है, तो इसलिए हमने कोटिंग करी थी। तो अब ये कम्प्लीटली ब्लैक मैंने पेंट किया है। ब्लैक पेंट करने के बाद मैं यहाँ पे 3 मेटेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन, सिल्वर और कॉपर। स्पॉन्ज की हेल्प से थोड़ा सा कलर लेके हमें इस पे इस तरीके से ड्राई ब्रश टेक्निक की तरह इस पे हमें इसको अप्लाई कर देना है। तो अपने अकॉर्डिंगली आप कलर्स इस पे लगा सकते हैं। गोल्डन के बाद मैंने रोजेस पे हल्का सा कॉपर लिया है और सिल्वर बटरफ्लाई और जो मोती थे पर्ल थे उन पे मैंने सिल्वर कलर अप्लाई कर दिया है स्पॉन्ज की हेल्प से, बहुत कम कम कलर। तो ये ब्यूटीफुल सी हमारी एंटिक बॉटल भी रेडी है। और हमारी इस लास्ट बॉटल के लिए मैंने पहले ही इस पे जैसो की कोटिंग कर दी है और इस पे मैं ये ब्राइट एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करने वाली हूँ। स्पॉन्ज की हेल्प से मैं कुछ इस तरीके से इस पे ये कलर्स अप्लाई कर दूंगी। मैंने यहाँ पे सेरेलियन ब्लू, लाइट ग्रीन, पिंक, ऑरेंज और येलो, ये 4 कलर्स लिए हैं। इन्हें ब्लेंड करने के लिए बाद में हमें ड्राई स्पॉन्ज से इन्हें इस तरीके से ब्लेंड करना है। तो ये हमारा ड्राई होके रेडी है। इस पे अब हम इस तरीके से कोन वर्क करेंगे। ये कोन मैंने एक मटका पेंटिंग का वीडियो शेयर किया था उसी टाइम बनाया था, तब से ये कोन पड़ा है, तो इसी से मैं इस पे काम करूँगी। और इसमें मार्बल पाउडर और फेविकॉल का मिक्सचर मैंने कोन में डाला है, तो एक तरीके से हम ये कोन से लीपन वर्क इस बॉटल पे करेंगे। तो अपने हिसाब से हमें इस पे डिज़ाइन बना देनी है। ये करीब 1 महीने से कोन बना हुआ है और इतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं है जितना कि ये फ्रेश था, तो आप कोशिश करें कि फ्रेश कोन ही काम मिले। तो अकॉर्डिंगली मैंने कुछ इस तरीके से इस पे डिज़ाइन बना दी है। ड्राई होने के बाद अब मैं इस पे कुछ मिरर स्टिक कर दूंगी। डिफरेंट डिफरेंट शेप में मैंने मिरर लिए हैं, कुछ डायमंड और सर्कल शेप में छोटे बड़े, और फैब्रिक ग्लू से मैं इन मिरर्स को इनकी जगह पे इस तरीके से प्लेस कर दूंगी। और ये हमारी ब्यूटीफुल बॉटल भी तैयार है। और आई होप आपको ये 4 बॉटल डेकोरेशन आइडियाज़ पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसके साथ मिलते हैं एक और नए और क्रिएटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।